हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इजी मेकअप एंड गेट रेडी। सो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है बहुत ही बेयरली है और मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप विद NY बाय प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर लगा सकते हैं एज पर योर स्किन टाइप एंड ये जो NY बाय का है ये purple.com पे मिल जाएगा एंड इसका ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला है एंड नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी भी है। सो इसको मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी। प्राइमर से बहुत अच्छा जो बेस मेकअप होता है अच्छे से लगता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन ड्रीम सैटिन फाउंडेशन और ये काफ़ी मेबलिन के फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। फॉर्मूला भी उनका बहुत अच्छा होता है, ईजिली आपके फेस पे लग जाते हैं। एंड डू ट्राई आउट अपने स्किन टोन से मैचिंग फाउंडेशन ले, सो बेस्ट रहेगा। सो ये वाला जो फाउंडेशन है काफ़ी सूट करता है मेरे स्किन टाइप पे भी एंड इवन मेरे स्किन कलर पे भी, सो काफ़ी मैचिंग है। सो पूरे फेस पे मैंने ब्रश की मदद से इसे अच्छे से लगा लिया है एंड फैला लिया है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NY बाय का कॉम्पैक्ट पाउडर विद SPF 40 है ये, एंड फॉर समर्स एंड फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है टी जोन एरिया में ऑयल आता है या पसीना आता है, सो उसके लिए फाउंडेशन उसके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। सो थोड़ा समरी टाइम है तो हमें कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए थोड़ा बहुत। सो जस्ट थोड़ा सा मैं डस्टिंग कर रही हूँ, सो जस्ट डस्ट अ लिटिल बिट। सो मैं अपने अकॉर्डिंग लगा ले रही हूँ। देन मैं यूज़ कर रही हूँ कलबा का ब्लश है ये एंड दिस इज़ क्वाइट बहुत अच्छा ब्लश है जिसका जो शेड है वो है रोजी पीच। एंड मैं इसको हल्का हल्का सा अपने चीक्स पे जस्ट एज अ ब्लश टिंट के लिए हल्का हल्का लगाऊंगी। एंड आप देखना मेरा जो टेक्निक यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ पे मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है और उसको गोल गोल ब्लेंड करते हुए अपने टेम्पल की तरफ लेके आना है, सो ऊपर की तरफ लेके आना है। सो उससे क्या होगा, बहुत ही एक स्मूद ब्लश आपका लग जाएगा चीक्स पे एंड एकदम नेचुरल लुक लगेगा। सो उसी तरह से मैंने दूसरे साइड भी किया है, फ्लफी ब्रश से अपने ब्लश को लगा लिया है। एंड नाउ अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर। नाउ हाईलाइटर गिव्स ग्लो टू योर स्किन एंड जो हमारी नॉर्मल स्किन है उस पर ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। सो मैं जो हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ ये रेवोल्यूशन का विविड वेग्ड हाईलाइटर है एंड और इसका जो शेड है वो है पीच लाइट। सो इसको मैं एक फैन ब्रश की मदद से अपनी सबसे पहले हम जो हाईलाइटर होता है वो हाइएस्ट पॉइंट फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे लगता है। सो मैंने इसको अपने चीक बोन्स के ऊपर, नोज ब्रिज पे, क्यूपिड्स बो, चिन पे, फोरहेड पे लगा सकते हैं एंड इवन आईब्रोज के जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वहाँ लगाएंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट और मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सभी को करना चाहिए। आईब्रोज फिल करने से हमारा फेस जो है काफ़ी शेप में दिखता है एंड एक बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है एंड ब्रश आउट कर लिया है। नाउ यू कैन सी द चेंज। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट एंड यह रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है जिसमें सारे ही न्यूड्स एंड शिमरी शेड्स हैं एंड न्यूट्रल शेड्स हैं जो स्किन टोन से मैच करें। सो मेरा वन ऑफ द फेवरेट लुक है जो मैं सारे वीडियोज़ में ऑलमोस्ट ऐसा ही करती हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे। मैंने सबसे पहले एक मैट ब्राउन शेड लिया है और एक फ्लफी ब्रश से इसको पूरे लिड पे आप इसको लगा लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए। सो इसको तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ द लिड में लगाइए और थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और ब्लेंड करते रहिए सो दैट कि आप दोनों आईज में मैंने ब्राउन आई शेडो लगाया है। अब मैं एक गोल्डन शेड ले रही हूँ और उसको फिंगर की टिप में लेके एंड देन आप सेंटर ऑफ द लिड से लेके इनर लिड से सेंटर ऑफ द लिड पे लगा लीजिए एंड उसी के ऊपर आपको जस्ट रैंडमली लगाना है एंड नीचे लिड पे लगाना है।
सो इसे बहुत ही अच्छा एक लुक आ जाता है एंड वेरी इजी. सो इस टाइप के जो लुक होते हैं बहुत इजी होते हैं एंड दे लुक नेचुरल, बहुत हैवी नहीं लगता है एंड आई टोटली लव दिस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने वीडियोस के लिए अगर रेडी होना होता है सो आई डू दिस ओनली. फिर एक फ्लैट चीटर ब्रश लिया है एंड मैं एक ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और इसको लगा रही हूँ आई नीचे वाटर लाइन के नीचे. थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. एंड मैं आउटर वी में भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ. और उसी तरह से हम दूसरे आईज पे भी कर लेंगे. इससे क्या होगा कि एक काजल इफेक्ट आएगा और इसे काजल इफेक्ट आएगा और आपको फिर काजल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो मैं इसको नीचे वाटर लाइन के नीचे एंड कॉर्नर में थोड़ा सा एजी लुक दे देंगे. सो आईज आर डन. देन मैं आई लैशेज को थोड़ा सा कर्ल कर ले रही हूँ एंड देन वी विल यूज मस्कारा. सो यहाँ पे मेबलिन का मैं हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा यूज कर रही हूँ जो कि वाटरप्रूफ मस्कारा है. सो इसको ऊपर और नीचे के लैशेज पे अच्छे से लगा लेंगे. आप चाहें तो 2-3 कोट्स लगा सकते हैं. सो मस्कारा इज डन एंड माई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन. लास्ट में बची है लिपस्टिक. सो मैं यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ एंड दिस इज वन ऑफ द बहुत ही प्यारा शेड है. सो ये एक लिक्विड लिपस्टिक है. सो लिपस्टिक मैंने लगा ली है एंड द मेकअप इज ऑलमोस्ट डन. आप चाहें तो इस तरह का मेकअप को भी इंडियन और वेस्टर्न वेयर पे कर सकते हैं. एंड दिस इज माई रेगुलर मेकअप जो वीडियोस के लिए मैं करती हूँ. देन यू कैन पेयर इट विद द इंडियन ड्रेस. सो मैंने लगाई है बिंदी एंड मैंने एक सूट पहन लिया है एंड देन यू कैन पेयर इट विद योर इयर रिंग्स. और ये है फाइनल लुक. सो ये है सिंपल नेचुरल लुक और सिंपल नेचुरल मेकअप जो आप ट्राई कर सकते हैं एंड दिस लुक्स वेरी सिंपल एंड इवन ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम. तो ये था आज का वीडियो. होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये मेकअप लुक भी सिंपल इजी लगा हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड फॉर मोर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू लाइक माई पेज एंड फॉलो माई पेज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एवरीवन. बाय.